आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है या फिर आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड यहां पर करना चाह रहे हैं पर वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसी के साथ में पेंडिंग बता रहा है या फिर आपका प्ले स्टोर ओपन ही नहीं कर हो रहा है। ठीक है, तो जो इस तरह की प्रॉब्लम थी पहले मेरे भी फ़ोन में आ रही थी, पर इस प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब इस प्रॉब्लम को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है चलिए हम जान लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में लिख देना है ऐप मैनेजर। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएंगी, यहाँ पर मिल जाएगी ऐप लिस्ट। ठीक है, या फिर आपके फ़ोन में कोई और नेम से भी यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि जिसमें सारे एप्लीकेशन होंगे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है प्ले स्टोर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 131 MB का है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा स्टोरेज का। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लियर स्टोरेज कर देंगे। उसके बाद में अभी मैं आपको एक सेटिंग्स और बताऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। कई बार ऐसा होता है जो प्ले स्टोर हमारा उसमें अपडेट आ जाता है तो इस वजह से भी यहाँ पर ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपके फ़ोन में इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट ऑन होने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ गूगल। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक न्यू टाइप में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल। प्ले स्टोर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं चलिए यहाँ से जूम करके और यहाँ से इसे एंड्रॉयड पर सिंपली क्लिक करूँगा। अगर आपके फ़ोन में ज़रा सा भी यहाँ पर अपडेट आया होगा प्ले स्टोर का तो वो यहाँ से ऑटोमेटो ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाता है तो कहने का मतलब है आपका बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है प्ले स्टोर। ठीक है, तो आप यहां से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने फ़ोन में जाएंगे तो आप यहां पर यूज भी कर सकते हैं और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है। जैसे कि मैं यहां पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहां पर बताने वाला हूं, तो चलिए मैं यहां पर डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट्सअप चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है और यहाँ पर ये चल रहा है। ठीक है, इसी का यहाँ पर अब आप इसमें आपको एक अपडेट आया है जो कि आप अपना इसमें चैनल बना सकते हैं व्हाट्सअप में। ठीक है, और इस पर मैं वीडियो आपको बहुत जल्द बना के देने वाला हूँ ताकि आप व्हाट्सअप से भी पैसे कमा सकेंगे आने वाले समय में, इस पर भी आप अपना चैनल बना सकते हैं। यह एक चाइनीज एप्लीकेशन है। ठीक है, यह यानी कि चाइना में चलती है। ठीक है, और इसमें भी आप बातचीत ही कर सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन में। ठीक है, तो दोस्तों ये यानी कि इंडियन का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तिरंगा, तो ये एक डुप्लीकेट एप्लीकेशन है। ठीक है, चाइनीज एप्लीकेशन आप जानते हैं कि इंडिया में अलाउ नहीं है, उन पर सभी पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये उसकी डुप्लीकेट यहाँ पर बना के दी गई है ग्रुप से उसी नेम से। ठीक है, और ये ऐड पर लगी है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐड पर है। ठीक है, ये तभी आपको ये ऊपर में रैंक में देखने को मिल रही है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एड्स रिलेटेड टू योर सर्च। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपका इस सेटिंग्स को अगर आप अपने फ़ोन में अप्लाई करेंगे तो आपकी जो प्ले स्टोर की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।